क्लास फोर्थ। आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर 4, पार्ट नंबर 2। चैप्टर का नेम है नदरन माउंटेन्स। नदरन माउंटेन्स के बारे में पार्ट 1 में भी हमने मैप के माध्यम से हमने देखा था कि हिमालय की 3 लेयर्स मैंने आपको दिखाई थी, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय एंड आउटर हिमालय। तो आज ग्रेटर हिमालय को सबसे पहले पढ़ते हैं। ग्रेटर हिमालय, दिस इज़ द हाइएस्ट एंड द नदरन मोस्ट माउंटेन रेंज। ये सबसे ऊंची और नॉर्थ में सबसे हाइएस्ट माउंटेन रेंज है। दीज माउंटेन्स आर रॉकी एंड स्टीप स्लोप्स। मैंने आपको पहले ही बताया था, रॉकी मीन्स वहाँ पर बहुत सारे पर्वत होते हैं, स्टीप मीन्स उनकी जो ढलान होती है वो इस तरह होती है कि ना उन पर बर्फ़ या पानी बिल्कुल रुकता नहीं पानी, जैसे कि एक हट की रूफ होती है उस तरीके से। सम ऑफ द हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड सच एज, यहाँ पर वर्ल्ड की कुछ हाइएस्ट पीक के नेम दिए हुए हैं, लाइक माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा एंड नंदा देवी आर लोकेटेड हेयर। तो ये जो हाइएस्ट पीक्स हैं वर्ल्ड की हाइएस्ट पीक्स माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा एंड नंदा देवी, ये कहाँ पर हैं? ये ग्रेटर हिमालय में हैं। These peaks are always covered with snow. ये बर्फ़ से ढकी रहती हैं। Many glaciers और thick masses of ice are found here. और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बहुत मोटी तह के बर्फ़ के ग्लेशियर होते हैं, यानी कि जो माउंटेन्स के ऊपर बर्फ़ गिरती है वो उनकी एक मोटी सी तह बन जाती है, इसको ग्लेशियर कहते हैं। The lower part of these glaciers melt due to the sun heat. और जो इन ग्लेशियर्स के नीचे वाले पार्ट होते हैं सन की हीट से वो मेल्ट हो जाते हैं। मैनी इंपॉर्टेंट रिवर्स, फिर मेल्ट होने वाले जो जो पानी बनता है उनसे क्या बनती है, उनकी उनसे रिवर्स बनती हैं। कौन कौन सी? गंगा, यमुना, इंडस, ब्रह्मपुत्र स्टार्ट फ्रॉम दीज मेल्टिंग ग्लेशियर्स। ओके, द क्लाइमेट इज़ वेरी कोल्ड। यहाँ पर अब क्लाइमेट कैसा होता है जान लीजिए, ग्रेटर हिमालय में यहाँ पर क्लाइमेट बहुत कोल्ड होता है। एंड नोट मैनी प्लांट एंड एनिमल्स आर फाउंड हेयर, यहाँ पर कोई एनिमल्स या प्लांट्स नहीं होते क्योंकि यहाँ पर जो लाइफ होती है वो इतनी ईजी नहीं होती क्योंकि ये ठंडा एरिया, बर्फ़ से एरिया घिरा हुआ होता है। देयर फोर लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन ग्रेटर हिमालय रेंजेस। मैनी माउंटेनियर्स कम हेयर एवरी ईयर टू क्लिम दीज पीक्स। माउंटेनियर्स कौन होते हैं? जो यहाँ पर हर साल घूमने के लिए आते हैं और वो माउंटेन पीक पर क्लिम करते हैं, उन पर चढ़ते हैं। नेक्स्ट है मिडल हिमालय। मिडल हिमालय लाई टू साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय। अब डायरेक्शंस के बारे में हमने आपको समझाया था, जैसे ये ग्रेटर हिमालय है तो उसके जो नीचे की लेयर है वो ग्रेटर हिमालय का तो साउथ पार्ट होगी ना, ऊपर नॉर्थ में ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के नीचे मिडल हिमालय, तो वो उसका क्या हो गया, साउथ पार्ट हो गया। तो ग्रेटर हिमालय के साउथ पार्ट में मिडल हिमालय है। दीज आर एट अ लोअर हाई देन द ग्रेटर हिमालय, ये ग्रेटर हिमालय से थोड़ी छोटे होते हैं। द माउंटेन्स आर स्टीप हेयर, यहाँ पर भी माउंटेन स्टीप होते हैं। वास्ट एरिया ऑफ प्लेन्स लाइक बिटवीन दिस माउंटेन्स विच आर कोल्ड वैली। अब जैसे ये माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स के बीच में से जो रास्ता जाता है जहाँ पर से माउंटेनियर्स इनके ऊपर क्लिम करते हैं, जो यहाँ से गुजरने का रास्ता होता है इनके आसपास, उनको क्या बोलते हैं, वैलीज बोलते हैं। द कश्मीर, कांगड़ा एंड चंबल वैली लाई इन द मिडल हिमालयस, तो ये सब जो वैलीज हैं ये मिडल हिमालयस में हैं। इन द मिडल हिमालय द समर आर कूल एंड प्लीजेंट एंड विंटर आर कोल्ड विद स्नोफॉल। जैसे हमने ग्रेटर हिमालय में आपको बताया था वहाँ पर पूरा साल क्या रहती है, पूरी ठंड रहती है, वहाँ पर पूरी स्नो रहती है, लेकिन मिडल हिमालय जो है वहाँ पर गर्मियों में अच्छा मौसम होता है, कूल मौसम होता है, लेकिन विंटर्स में पूरी स्नो होती है, पूरा कोल्ड होता है। मैनी हिल स्टेशंस लाइक मनाली, शिमला, नैनीताल एंड दार्जिलिंग वॉज लोकेटेड हेयर, जहाँ पर लोग गर्मियों में घूमने जाते हैं, ये हिल स्टेशन के नेम है। द माउंटेन्स स्लोप्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट ऑफ पाइन, फायर, देवदार। सिंस द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट हैव कोन्स दे आर आल्सो कोल्ड कनिफोरियस फॉरेस्ट, इनको कनिफोरियस फॉरेस्ट भी बोला जाता है। यहाँ पर जो वेजिटेशन मिलती है ना, जो यहाँ पर ये देख रहे हो ये क्या है,
ये यहाँ पर जो फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट में जो ट्रीज मिलते हैं, कौन कौन से ट्रीज मिलते हैं? फाइन, सॉरी पाइन, फायर, सॉरी पाइन, फिर देवदार। सिंस द ट्रीज जो होते हैं यहाँ पर वो कोन की शेप के होते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको कनिफरियस ट्रीज बोलते हैं। दीज ट्रीज हैव नीडल लाइक लीव्स, इनकी जो लीव्स होती हैं वो एक सुई की तरह होती हैं। जब बर्फ़ का मौसम होता है, जब सर्दी का मौसम होता है, तो जब इन पर बर्फ़ पड़ती है तो इनकी पत्तों की ये रक्षा किस तरह से होती है कि नोक की टाइप के होते हैं, तो जब बर्फ़ होती है वो स्लाइड की तरह, स्लाइड से जैसे कोई चीज़ नीचे आ जाती है वैसे ही बर्फ़ भी नीचे आ जाती है। इसके बाद है कोल्ड प्लेसेस लाइक कश्मीर, इनमें कौन से ट्रीज होते हैं? डिसीडियस ट्रीज। ये कौन से ट्रीज होते हैं? डिसीडियस ट्रीज वो होते हैं जो एक मौसम में अपने पत्ते नीचे गिरा देते हैं और दूसरे मौसम में पत्ते वापस आ जाते हैं। दीज ट्रीज ड्रॉप देयर लीव्स जस्ट बिफोर विंटर, विंटर से पहले इनके पत्ते गिर जाते हैं, और ग्रो आउट न्यू लीव्स इन द वॉर्म स्प्रिंग डेज। वॉर्म स्प्रिंग डेज में इनके पत्ते वापस आ जाते हैं। ये कुछ ट्रीज़ की आपको पिक्चर्स दिखाई हुई हैं, यंग पॉपुलर ट्रीज़, ये इस तरह के ट्रीज़ हैं। उसके बाद है लीव्स ऑफ चिनार ट्रीज़ टर्न ऑरेंज, ये झड़ने से पहले सूख जाते हैं, सूखकर ऑरेंज हो जाते हैं। दीज ट्रीज विच ड्रॉप ऑल ऑफ देयर लीव्स ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ईयर गेट न्यू लीव्स अगेन इन द नेक्स्ट सेशन आर कॉल्ड डिसीडियस ट्रीज। मोस्ट ऑफ द डिसीडियस ट्रीज हैव ब्रॉड लीव्स, ज़्यादातर इनके पत्ते जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। वाइल्ड एनिमल्स लाइक स्नो लियोपर्ड, मस्क डियर, ब्लैक बियर, याक आर फाउंड हेयर। यहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं उनके नेम दिए हुए हैं। स्नो लियोपर्ड प्रेफर टू लिव इन द स्टीप रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स लोकेटेड इन ग्रेटर हाइट्स। तो ये जो है लियोपर्ड, स्नो लियोपर्ड जो है ये बर्फ़ वाले ऊंचे एरिया यानी कि ग्रेटर हिमालय में मिलते हैं ज़्यादा। डू यू नो दैट देयर आर लेस देन 10,000 स्नो लियोपर्ड्स लेफ्ट इन द वर्ल्ड। आपको पता है कि अब जो हैं सिर्फ 10,000 से भी कम लियोपर्ड जो कि हैं वर्ल्ड में। इसके बाद कुछ और एनिमल्स के बारे में बताया हुआ है। द हिमालयन ब्लैक बियर, हिमालय में एक और एनिमल है ब्लैक बियर, एंड द हिमालय मस्क डीर, और हिमालय का जो मस्क डीर एक हिरन टाइप का एनिमल है आर ऑल्सो फाइंड हेयर। द मस्क डीर लिव ऑन द लीव्स फ्लावर्स ग्रासेस फाउंड हेयर। ये क्या खाते हैं? ये लीव्स खाते हैं, फ्लावर्स और ग्रासेस वगैरह खाते हैं। हाउएवर वेरी फ्यू मस्क डियर इन हिमालयन ब्लैक बियर आर लेफ्ट। यानी कि अब एनिमल्स तो आपको पता है ऐसे एनिमल्स अब ख़त्म होते जा रहे हैं दिन पर दिन, बहुत कम मात्रा में जो इस तरह के एनिमल हैं लाइक ब्लैक बियर अब रह गए हैं हिमालयाज में ऑन द अर्थ ड्यू टू द हंटिंग एंड कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज लार्ज नंबर। क्योंकि ये ट्रीज पर डिपेंड होते हैं, तो ट्रीज जैसे जैसे काटे जा रहे हैं तो ये एनिमल्स कम होते जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपको पिक्चर दिखाई हुई है, ये डीर की पिक्चर दिखाई हुई है, ये ब्लैक बियर है, आप देख सकते हैं। द स्नो लियोपर्ड एंड द हिमालय ब्लैक बियर हैव थिक फर, इन पर क्या होती है? एक खाल होती है, फर होते हैं मोटे मोटे, ताकि ये अपने आप को सर्दी से बचा सकें। द लॉन्ग हेयर्ड हिमालय वाइल्ड याक्स लिव इन दिस रीजन। तो यहाँ पर एक और भी वाइल्ड याक, याक की तरह, याक के जैसा, देखो ये आपको देख रहे हो आप पिक्चर में, ये भी एनिमल यहीं पाया जाता है। दे आर डोमेस्टिकेटेड फॉर देयर मीट, वूल, फाइबर, मिल्क, स्किन। ये किस लिए पाले जाते हैं? क्योंकि इनसे मीट मिलता है, वूल मिलती है, फाइबर मिलता है, मिल्क और स्किन भी मिलती है, स्किन से भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। दे आर यूज टू कैरी हैवी लोड एज वेल। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो भारी सामान होता है, क्योंकि वैलीज के बीच में से जाना पड़ता है, तो ये एनिमल्स इसके काम आते हैं सामान ढोने के। इसके बाद है हिमालय रेंजेस की थर्ड लेयर, आउटर हिमालयस। दिस इज़ द लोएस्ट एंड सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय। ये सबसे लोएस्ट और सदर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट मीन्स जैसे मैंने पहले समझाया था आपको, ग्रेटर हिमालय के सदर्न में। इट इज हैज़ हिल रेंजेस, द क्लाइमेट हेयर कूल एंड प्लीजेंट इन समर एंड कूल ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। तो इसका भी मिडल हिमालय की तरह गर्मियों में क्या होता है?
मौसम जो होता है बहुत अच्छा होता है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ही ठंडा होता है। द रीज़न एक्सपीरियंसेस गुड रेनफॉल, यहाँ पर अच्छी बारिश होती है। इट्स क्लाइमेट एंड सॉयल आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप सच एज राइस, वेजिटेबल एंड पोटैटोस। यहाँ पर वेजिटेबल्स और जो हैं ग्रो करने के लिए भी सूटेबल इन्वायरमेंट होता है। द थिक फॉरेस्ट इन दिस रेंज आर फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो यहाँ पर अब देखिए क्रॉप्स हैं तो वहाँ पर एनिमल्स भी ज़्यादा मात्रा में हैं, क्योंकि एनिमल्स जो क्रॉप्स पर डिपेंड करते हैं और फॉरेस्ट पर। इन द अपर हिल्स ट्रीज लाइक चीर, सिल्क ट्रीज, ओक, रोडेंड्रोन एंड पाइन आर फाउंड, यहाँ पर ये वाले ट्रीज मिलते हैं। द लोअर रीजन हैव साल, सैंडल, आमला एंड लिब्रम ट्रीज। तो यहाँ पर कौन कौन से ट्रीज मिलते हैं उनके नेम हैं। इसके बाद है नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, जो नॉर्थ में, नॉर्थ के ईस्ट साइड में जो हिल्स हैं उनको नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स कहते हैं। जो हम नदरन माउंटेन्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमने आपको पहले ही बताया था, ये ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय, आउटर हिमालय, नदरन ईस्ट हिल्स एंड किससे मिलकर बनी है, ट्रांस हिमालयन रेंजेस से। तो इसके बाद ये नदरन ईस्ट हिल्स पढ़ेंगे। बाइंड द रिवर ब्रह्मपुत्र, रिवर ब्रह्मपुत्र के पास आर लोकेटेड सम हिल्स, यहाँ पर कुछ हिल्स हैं जिनको नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स बोलते हैं। ये कुछ हिल्स के नेम हैं, पूर्वांचल मिशिमी हिल्स, पटकाई बूम, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, नागा हिल्स एंड त्रिपुरा हिल्स आर सम ऑफ द मेन हिल्स। ये कुछ हिल्स के नाम दिए हुए हैं, इसको आप एक दो बार रिपीट करके पढ़ेंगे तो आपको लर्न हो जाएंगे। दीज हिल्स आर नॉट वेरी हाई एंड डोंट नॉट गेट रेन स्नोफॉल, या ये ज़्यादा ऊंची नहीं होती और इन पर ज़्यादा स्नो भी नहीं गिरती, तो इसलिए ये यहाँ पर क्या होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं। दे आर कवर्ड विद द थिक फॉरेस्ट, तो यहाँ पर घने जंगल होते हैं। मेन यहाँ पर कौन से प्लांट्स होते हैं, बैम्बू प्लांट्स। बैम्बू प्लांट्स कौन से होते हैं, जो घर बनाने के लिए यूज़ होते हैं, बिल्ड हाउसेस एंड मेक पेपर्स, और जो पेपर बनाने के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पर ये आपको एक इंडिया का मैप दिया हुआ है, जिसमें इंडिया के जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स के नेम दिए हुए हैं और इसकी फिजिकल डिवीज़न बताई हुई है। फिजिकल डिवीज़न में क्या होता है, नदरन माउंटेन्स, नदरन प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू कौन से होते हैं, कोस्टल प्लेन्स कौन से हैं, और आइलैंड कहाँ कहाँ पर हैं, इंडियन ग्रेट डेजर्ट कहाँ पर है, और ग्रेट डेजर्ट कौन सा है, थार डेजर्ट है जो हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, कि वो कौन सी स्टेट में है, ये सब देखेंगे। इससे पहले हमने आपको इसीलिए वो इंडिया का मैप करवाया था, ताकि आपको मैप से जो स्टेट्स के बारे में पता चल जाए कि कहाँ पर कौन सी स्टेट है। उसके बाद आप इंडियन जो फिजिकल डिवीज़न है उसको आसानी से लोकेट कर सकते हैं, मैप में अच्छे से आसानी से समझ भी सकते हैं, जैसे अब हम आप समझेंगे। तो जो ये ब्राउन कलर से यहाँ आपको दिया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट कलर से डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल डिवीज़न आपको दिखाई गई हैं। जैसे सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें आपको दिखाया हुआ है कि ब्राउन कलर से आपको दिए हुए हैं नदरन माउंटेन्स, ग्रीन कलर से दिए हुए हैं नदरन प्लेन्स, और ये लाइट ब्राउन कलर में आपको दिए हुए हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू, और लाइट ग्रीन कलर में कोस्टल प्लेन्स, और पिंक कलर में आपको आइलैंड दिए हुए हैं, येलो कलर में आपको डेजर्ट दिए हुए हैं। तो आप अब बताएंगे, तो ये अगर आपसे पूछेंगे कि जो नदरन माउंटेन्स हैं वो इंडिया के मैप में कौन कौन से स्टेट्स में शो की जाती हैं, तो आप ये ऊपर देखेंगे ब्राउन कलर में जो हैं, ब्राउन कलर में ये आपको नॉर्थन माउंटेन्स दिखाए गए हैं, जो हमने पहले भी देखे थे। ब्राउन कलर्स में नॉर्दर्न माउंटेन्स जो दिखाए गए हैं वो कौन कौन सी स्टेट्स में हैं, ये दिए हुए हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो ब्राउन पार्ट है जिसमें हमने वेस्टर्न हिल्स देखी थी, मणिपुर, ये सब स्टेट्स के नाम आप पढ़ सकते हो। उसके बाद ऐसे ही नदरन प्लेन्स कौन कौन से स्टेट्स में हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, जो ये ग्रीन, वेस्ट बंगाल, असम, ये ग्रीन पार्ट से दिए हुए हैं, ये हैं नदरन प्लेन्स। इसी तरह आप और भी फिजिकल डिवीज़न ऐसे देखें, और देखें कि कौन कौन सी स्टेट्स में ग्रेट डेजर्ट है, कौन सी स्टेट में आइलैंड है, वो आप कलर से देख सकते हैं। जैसे पिंक कलर है
पिंक कलर में आपको आइलैंड दिया हुआ है, यहाँ आइलैंड देख लेते हैं हम। ये पिंक कलर में आइलैंड है, आइलैंड कौन सा होता है जो वाटर से घिरा होता है चारों तरफ, तो ये आइलैंड है। और इधर भी है थोड़ा आइलैंड, ठीक है। तो इस तरह आप कलर से देख सकते हैं कौन से कलर से कौन से स्टेट्स कवर की हुई हैं इन्होंने, और उस कलर से ये कौन सी फिजिकल डिवीज़न लोकेट करना चाहते हैं। इसके बाद है जो माउंटेन्स वाले एरिया में लोग रहते हैं उनके वर्क कौन कौन से हैं, मेन वर्क क्या हैं। तो मैनी पीपल इन नदर्न माउंटेन्स आर फार्मर, मोस्टली लोग यहाँ पर फार्मर हैं, फार्मिंग करते हैं। वो किन किन चीज़ों की खेती करते हैं, राइस, व्हीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। पीपल ऑल्सो रियर एनिमल्स, पीपल एनिमल्स भी पालते हैं लाइक गोट, शीप, याक। किस लिए? फॉर गेटिंग वूल, मिल्क, ताकि उन्हें उनसे वूल मिल सके, ऊन मिल सके, मिल्क मिल सके, मीट मिल सके। मैनी ऑफ देम मेक क्राफ्ट, कुछ क्राफ्ट आइटम्स का भी काम करते हैं। कुछ बैम्बू ट्रीज़ को भी जो है मार्केट में सेल करते हैं, जैसे हमने पढ़ाया था आपको बैम्बू ट्री से घर बनते हैं और कागज़ बनते थे, तो उनको भी सेल करके ये पैसे कमाते थे। वीविंग लाइक सिल्क, जैसे पशुओं से उनको सिल्क मिल जाती थी तो कुछ वो कपड़ा बुनकर भी बेचते थे मार्केट में। लाइक शॉल्स आर आल्सो पॉपुलर विद द पीपल, तो जो इनकी बुनी हुई वूल की शॉल्स होती थी वो बहुत फेमस थी। पीपल ऑफ कांगड़ा वैलीज, अब यहाँ पर कांगड़ा वैलीज के पीपल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बताया है। पीपल ऑफ कांगड़ा वैली एंड दार्जिलिंग ऑल्सो वर्क इन अ टी गार्डन, तो कांगड़ा वैली और दार्जिलिंग के लोग क्या करते हैं, टी गार्डन में, चाय के बाग में काम करते हैं। प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द टूरिस्ट लाइक टेकिंग दम फॉर्म द फॉर द बोट एंड रनिंग ढाबा एंड होटल्स, वो क्या करते हैं, एक गाइड का गाइड भी करते हैं लोगों को जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, और उनके लिए खाने के लिए ढाबा या होटल वगैरह भी खोल लेते हैं इन एरियाज़ में। इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट वे टू अर्निंग मनी, तो ये भी इनकी मनी अर्निंग का एक अच्छा सोर्स है, होटल वगैरह और टूरिस्ट को गाइड करना। मैनी सर्व इन द आर्मी, मॉडर्न जॉब्स आर नाउ बिकमिंग पॉपुलर विद द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी, तो जैसे आजकल अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है, जैसे कि ये आर्मी में भी भर्ती हो जाते हैं और भी जॉब में इनको हक मिल गए हैं, तो ये अब ये जॉब्स वगैरह भी करने लगे हैं एट प्रेजेंट। तो बच्चों हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, वहाँ की वेजिटेशन के बारे में पढ़ा, ग्रेटर हिमालय जो है उसमें कैसी वेजिटेशन है, कौन कौन से एनिमल्स हैं, जो मिडल हिमालय है उसमें कैसी वेजिटेशन है, जो आउटर हिमालय है उसमें घने जंगल हैं, कौन कौन से एनिमल्स हैं। तो हमने हिमालयस के बारे में पढ़ा, नदरन माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, नदरन माउंटेन्स जो हैं किन किन माउंटेन से, किन किन हिमालय से, किन किन हिल्स से मिलकर बने हुए हैं, वैलीज़ क्या होती हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा, उनकी वेजिटेशन के बारे में पढ़ा। तो अब हम पढ़ेंगे थ्रेट्स टू द नदरन माउंटेन, कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन माउंटेन्स को खतरा बनी हुई है। द नदरन माउंटेन्स हैव थिक फॉरेस्ट एंड होम टू मैनी वाइल्ड एनिमल्स, जैसे कि हम सबको पता है कि यहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट हैं और यहाँ बहुत एनिमल्स हैं। मैनी इंपॉर्टेंट रिवर्स अराइज इन हिमालय, बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स भी हिमालय में से निकलती हैं। मैनी क्रॉप्स फ्लावर्स, बहुत सारे क्रॉप्स फ्लावर वेजिटेशन यहाँ पर ग्रो होते हैं। द कूल क्लाइमेट एंड ब्यूटीफुल माउंटेन्स, यहाँ पर बहुत कूल क्लाइमेट है, ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैं जिनको लोग गर्मियों में वहाँ पर टूरिस्ट घूमने भी जाते हैं, बहुत अच्छा वहाँ पर इन्वायरमेंट है। द नंबर ऑफ टूरिस्ट कमिंग इन द नदरन माउंटेन इन इंक्रीजिंग एवरी ईयर, तो हर साल बहुत सारे टूरिस्ट बढ़ जाते हैं यहाँ पर जो इनकी सुंदरता को देखने आते हैं। सम ऑफ दैम थ्रो गार्बेज इन द माउंटेन्स एंड मेक दैम डर्टी, तो जो लोग वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, कूड़ा करकट खिंडा देते हैं, वहाँ पर इंजॉय करने जाते हैं, खा पी कर वहाँ पर कूड़ा खिंडा देते हैं। और फॉरेस्ट आर बींग कट टू मेक होटल्स एंड शॉप्स फॉर द टूरिस्ट, फॉरेस्ट काटे जाते हैं किस लिए, टूरिस्ट के लिए। अब उनको भी ये होता है कि हमें इनकम और ज़्यादा आए, फॉरेस्ट वो काट कर वहाँ पर होटल्स वगैरह बना लेते हैं टूरिस्ट से पैसा अर्न करने के लिए। मैनी ऑफ दीज होटल्स एंड शॉप्स आर बिल्ट ऑन द स्लोप ऑफ द माउंटेन्स, जो माउंटेन स्लोप्स हैं वहाँ पर भी अब होटल बन गए हैं। दिस मेक द सोयल लूज एंड रिजल्ट ऑफ द फ्लड एंड फॉलिंग ऑफ द रॉक्स एंड सोयल फ्रॉम द माउंटेन्स, तो ये सबसे बड़ा खतरा है कि वहाँ पर जो है जंगलों को साफ करके होटल बनाए जाते हैं, और जो वहाँ पर स्लोप्स हैं स्लोप्स के ऊपर भी होटल बन गए हैं, जिससे सोयल क्या हो गई है, लूज हो गई है, एंड द रिजल्ट इन द फ्लड, जो जब फ्लड आते हैं, फॉलिंग ऑफ द रॉक्स रॉक्स, तो
तो जहाँ पर वो साफ करके उस एरिया को जहाँ पर होटल बनाते हैं उनके आसपास का जो रॉकी एरिया होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, और जब फ्लड आता है तो वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो गिरने लग जाते हैं। तो ये थे कि नॉर्थन माउंटेन्स जो हैं उनको क्या खतरा है, क्या थ्रेट्स हैं। तो जो भी टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पर उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनकी सुंदरता को, माउंटेन्स की सुंदरता को बनाए रखना चाहिए। और वहाँ के लोगों को भी चाहिए कि वो एक लिमिट में, एक अलग पोर्शन में जहाँ पर इन्वायरमेंट को खतरा ना हो उस तरह के होटल बनाएं। तो आपने क्या करना है, आपने एक बार अच्छे से चैप्टर को रीड कर लेना है, एक बार रिपीट कर लेना है सारी चीज़ों को, ताकि आपको, अगर आप खुद से पढ़ोगे तो और भी आपको चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। तो ओके बेटा, बाय बाय।